हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमबीए ओपन मैट 16 के बारे में। दोस्तों, इग्नू के जो जनवरी 2020 सेशन के एमबीए के एडमिशन्स होने हैं, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, इस बार एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगी। तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल करना है। दोस्तों, इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एमबीए का, वो 27 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है और ऑनलाइन फॉर्म आप 17 जून से 1 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फॉर्म में कोई करेक्शन करनी है तो 2 या 3 जुलाई को कर सकते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 600 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों, 10 जुलाई को आपके इसके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, विस्तार से हम जानते हैं, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है ntignu.nic.in। यहाँ पर आने के बाद इग्नू एमबीए ओपन मेट वाला जो प्रॉस्पेक्टस है ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं सभी तरीके की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, एक प्रॉस्पेक्टस इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसमें भी डिटेल्स गाइडेंस हैं, उसको भी यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, 17 जून से 1 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। यहाँ पर हमने आपको बताया टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 से 5 रहेगी, 3 घंटे का एग्ज़ाम इसका रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों, अप्लाई इस बार आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है और ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त, वो सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी डिटेल्स आपको इसी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भेजी जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल की इसका ड्यूरेशन होता है, यानी 5 साल तक आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होती है। प्रोग्राम फीस 1800 रुपये पर कोर्स है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ पर क्यों नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं। बात अगर करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में आपको चाहिए या फिर 45% यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कोई एज लिमिट इसकी नहीं है। यदि ग्रेजुएशन के मार्क्स CGPA में है तो उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी जो ओपन मेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इसमें एडमिशन्स लेने के लिए। सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सिलेबस की भी गिवन है। ओपन मेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 4 टेस्ट। टेस्ट 1 30 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, टेस्ट 1 में। टेस्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। टेस्ट 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे और टेस्ट 4 में रीजनिंग के होंगे 70 क्वेश्चन, ठीक है। ऑल दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 1 सेशन ऑफ 3 घंटे, यानी 3 घंटे का टेस्ट होगा। सभी टेस्ट इसी सेशन में कंडक्ट होंगे, ठीक है। टोटल 1200 क्वेश्चन इसके होगा। फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द एग्जामिनेशन स्कीम एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सैम्पल ओपन मेट एंट्रेंस टेस्ट पेपर इज अवेलेबल ऑन अ प्रोस्पेक्टस। ई प्रोस्पेक्टस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इग्नू और एनटीए वेबसाइट। दोस्तों, इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर सैम्पल पेपर अवेलेबल है प्रोस्पेक्टस में, उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम हॉल होगा वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं हैं। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है दोस्तों, इसको आपको केयरफुली पढ़ लेनी है। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर इग्नू ओपन मेट 16 ओनली बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट ntignu.nic.in। सपोज दोस्तों, इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। किसी और वेबसाइट पर जाएंगे यानी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बार आपको अप्लाई नहीं करना। इन ऑर्डर टू अपेयर इन इग्नू ओपन मेट एंट्रेंस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द परफॉर्मर डिटेल बिलो। बिफोर फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन कैंडिडेट शुड डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ई प्रोस्पेक्टस एंड रीड देयर केयरफुली। तो यहाँ पर बार बार बताया गया दोस्तों, जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करके केयरफुली आप पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की, यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, वो आपका होना ज़रूरी है। एड्रेस लिखना है आपको उसमें। इसके अलावा फोटोग्राफ और सिग्नेचर का रिक्वायर्ड साइज यहाँ पर ज्ञान है, उसको कन्वर्ट करके आपको लिखना है। फीस पेमेंट यानी रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल आपको चाहिए होंगी। दोस्तों, 1 जुलाई वैसे तो लास्ट डेट है, लेकिन आप पहले इसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा लास्ट डेट से पहले, क्योंकि हो सकता है लास्ट डेट को वेबसाइट हैंग कर जाए। अब यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या चीज़ें आपको फिल करने के लिए पूछी जाएंगी ऑनलाइन फॉर्म में। यहाँ पर कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट आएगा, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ठीक है, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा आपका मेलिंग एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी घर का पूरा एड्रेस आएगा, 4 सिटीज़ और सेंटर।
यहाँ पर दोस्तों जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उसके चार प्रेफरेंस आप सेट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म में, बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर PWD का अभी एलिजिबल है या नहीं। इसके अलावा स्कैन इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगे आपकी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर रिक्वायर्ड साइज गिवन है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया जो रजिस्ट्रेशन पेज होगा उसमें आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है, नेम, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है, स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ भी स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फिल इन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। फिर यहाँ पर आपका जो रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर क्रिएट होता है, फिर उससे जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना होगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। दोस्तों OBC जो नॉन क्रीमी लेयर वाला होगा वो चलेगा, उसकी डिटेल आप यहाँ पर वेबसाइट अवेलेबल है इस यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, चॉइस ऑफ सिटी जैसे कि हमने आपको बताया वो चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अंडर नो सर्कमस्टांसिस चॉइस ऑफ द सिटी, दोस्तों चॉइस ऑफ सिटी कोई चेंजेस नहीं कर सकता उसमें एक बार फिल करने के बाद। अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज एंड सेलेक्शन ऑफ सेंटर्स, यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। एप्लीकेंट नॉट कम्प्लाइंग विद दिस इंस्ट्रक्शन और विद अनक्लियर फोटोग्राफ आर लाइबल टू रिजेक्टेड, जो इंस्ट्रक्शन इसमें गिवन है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, 1 मार्च 2019 के बाद का उसमें आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और नेम और डेट उसमें फोटोग्राफ के नीचे मेंशन होनी चाहिए। कैंडिडेट मे प्लीज़ नोट दैट इफ़ इट इज़ फाउंड दैट फोटोग्राफ अपलोडेड इन, दोस्तों यहाँ पर बार बार बताया गया है कि फोटोग्राफ अगर सही पाया नहीं गया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम सेंटर, कौन कौन सी सिटीज़ है जब एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट हो रहा है उसकी लिस्ट आप नीचे भी देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। सेकंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है इसमें। फिर यहाँ पर चेक लिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए अपनी अप्लाई करने से पहले, कैटेगरी चेक कर लीजिए कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको चेक कर लेना है, कोड उसके नीचे गिवन है। पर PWD कैंडिडेट हैज़ फिल्ड द रिलेवेंट कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओनली PWD हैव टू फिल दिस कॉलम एंड हैव अदर हैव टू फिल हैव टू लीव द ब्लैंक। PWD के लिए कुछ अलग सा कॉलम होगा वो भी आपको फिल करना होगा, बाकी जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके होंगे तो उसका प्रिंट आउट लेकर आपको रख लेना है फ्यूचर पर्पज़ के लिए। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पार्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, ठीक है। कोई करेक्शन की रिक्वेस्ट आप नहीं भेज सकते इसमें, एटलीस्ट फॉर प्रिंट आउट ऑफ कन्फर्मेशन पेज, दोस्तों कम से कम 4 प्रिंट आउट आपकी इसको निकालनी है, फीस पेड की प्रिंट आउट भी निकालना होगा उसको आपने। फिर यहाँ पर जो स्टेप्स दिखाए हैं एक बार स्टेप समरी जो है वो यहाँ पर गिवन है, इसको आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बताया गया है, ठीक है, किस किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पर बताया गया है यदि आपकी फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपको दोबारा फ़ीस पे कर देनी है। एडमिट कार्ड की बात करें तो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको 10 जुलाई से एडमिट कार्ड होना अवेलेबल हो जाएंगे, 10 जुलाई से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो, और जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन गिवन होंगी उसको आपको केयरफुली पढ़ लेना है। दोस्तों कोई एडमिट कार्ड पोस्ट के थ्रू नहीं सेंड किया जाएगा, ओनली वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा एग्ज़ाम सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम सिटीज़ भी गिवन है और सिटी भी गिवन है, स्टेट भी गिवन है, इसको आप चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए फ़िलहाल हम आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई फॉर्म ओपन मेट पर जब आप जाएंगे तो फिलहाल दोस्तों ये आप ऐसा पेज शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको कई बार अप्लाई का लिंक खोल लिया, जब आप अपने फ़ोन में खोलेंगे या लैपटॉप में खोलेंगे तो ये केयरफुली शो करेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर कुछ डिटेल पढ़ेंगे, अंडरटेकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएंगी फर्स्ट स्टेप में, उस पर जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी वो एंटर करके, फिर आपको स्कैन फोटोग्राफ एंटर करके फीस पेमेंट कर देनी है। इतना करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई और क्वारीज हों आपकी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और दोस्तों हम फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस यदि पॉसिबल हो तो। बाकी अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।